हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल बीएस किचन। तो आज हम बनाने जा रहे हैं बच्चे और बड़ों की पसंद खीर। और खीर बनाने के लिए हमें जो जो सामान चाहिए वो इस प्रकार है। 1.5 लीटर दूध, 1 कप चावल, चीनी, इलायची पाउडर, बादाम, किशमिश, और हमें चाहिए सूखा नारियल। और खीर बनाने के लिए भिगोने में मैंने दूध रख दिया है गैस पे, और देखिए दूध अब गर्म हो जाएगा। और जब तक चलाना, जब तक इसमें उबाल ना आ जाए। अब देखिए दूध में उबाल आ गया है। अब मैं इसको ऐसे धीरे धीरे चलाते रहें ताकि दूध नीचे लग ना जाए। और अब मैं इसमें जो मैंने आधा घंटा पहले चावल भिगो के रख दिए थे वो धो लिए अच्छे से। अब ये दूध में चावल डाल दूँगी। और जो ये चावल मैंने आधा घंटा पहले भिगोए थे वो इसलिए भिगोए थे ताकि चावल सॉफ्ट हो जाएं और खीर बनाने में आसानी हो जाती है। चावल जल्दी से दूध में मिलके पक जाता है। और हमें इसको अच्छे से मिला देंगे, ऐसे मिला देंगे अच्छे से। और ध्यान रहे कि हमें चावलों को कंटिन्यू चलाते रहना है ताकि ये नीचे तली में चिपक ना जाए। धीरे धीरे ऐसे इसको कंटिन्यू चलाते रहें। और देखिए इसमें उबाल आना शुरू हो गया। और हमें लगातार इसे खीर को इसलिए चलाना पड़ेगा क्योंकि अगर तली में खीर लग गई तो इसका सारा स्वाद ख़राब हो जाएगा। और देखिए जो ये किनारों पे साइडों में इसके मलाई आ रही है इसको भी हम उतार के इसी दूध में मिलाते जाएंगे ऐसे, और ये दूध गाढ़ा होता रहेगा और इसको हम चलाते रहेंगे। हमें इस बात का ध्यान रखना है कि गैस की फ्लेम लो रखनी है, तेज़ आंच पर इसको नहीं रखना, नहीं तो एकदम से खीर नीचे लग जाएगी। स्लो फ्लेम पे टाइम तो लगेगा पर हमारी खीर बहुत ही टेस्टी तैयार होगी। और अब हमारी खीर पकने को है, अब हम इसको चलाते जाएंगे। देखिए अब ये गाढ़ी होने लगी है, देखिए अब हमारी खीर गाढ़ी हो गई है पहले से। अब हम इसको चलाएंगे और अब हम इसमें सूखा कटा हुआ नारियल डालेंगे ऐसे। ऊपर से हम नारियल डाल देंगे जितना आपने डालना हो। आप इसको कद्दूकस भी कर सकते हैं अपनी इच्छा अनुसार। और अब मैं इसमें डालूंगी ड्राई फ्रूट, उसको मैंने पहले से काट के रख लिया था। बादाम, किशमिश, पिस्ता, चिरौंजी, जो भी आपके पास हो वो आप डाल सकते हैं। सारे इसमें डाल के अच्छे से मिला देंगे। देखिए ऊपर से 4-5 इलायची कूटी हुई डाल देंगे और इसको अच्छी तरह मिलाएंगे। अभी हमने गैस बंद नहीं करनी है, इसको धीरे धीरे पकाते जाना है, गैस की फ्लेम स्लो रखनी है। और अब हम इसमें डालेंगे चीनी ऊपर से। चीनी आप मीठा आप अपने हिसाब से रख सकते हैं, कोई कम खाता है कोई ज़्यादा, आप अपने स्वाद अनुसार मीठा डालिए और इसको मिला दिए। अब हमारी खीर को बनने में 5-6 मिनट और लगेंगे। इसको ऐसे ही घुमाते जाएंगे जब तक कि चीनी अच्छी तरह से इसके अंदर मेल्ट नहीं हो जाएगी। और खीर हमारी एक बार और पतली होगी, फिर गैस चलाएंगे तो खीर हमारी गाढ़ी हो जाएगी। देखिए ऑलमोस्ट खीर हमारी तैयार है। और अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। अब हमारी खीर रेडी है। अब हम इसको एक बाउल में निकालेंगे और ऊपर इसके नारियल, बादाम, काजू, किशमिश, जो भी आपके पास ड्राई फ्रूट हो वो ऊपर से डालकर इसको सर्व करें। हमारी टेस्टी डिलीशियस खीर। थैंक यू।